हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कमलेश चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी, सीएलसी सीकर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केवीपीवाई 2019, अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसका कोड एसएक्स और एसबी का फिजिक्स का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है कि एक म्यूनिक एटम हमें कंसिडर करना है जिसमें म्यून का मास बोल रखा है 200 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज जो है वो सेम इलेक्ट्रॉन की जैसे, और वो बाउंडेड है एक प्रोटोन की तरफ, प्रोटोन के अराउंड। मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम में होता था कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक म्यूनिक एटम बोल रखा है जिसमें चार्ज सेंटर का वही है, उसके अराउंड जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसका मास 200 टाइम्स है। तो हमें क्या बताना है, बाल्मर सीरीज की जो वेवलेंथ है वो किस रेंज में आएगी वो बतानी है। तो जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए जो सीरीज आती है उसकी रेंज होती है बामर सीरीज के लिए अराउंड 3600 एंगस्ट्रम टू 6500 एंगस्ट्रम के अराउंड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो रोटेटिंग एटम है, पार्टिकल है, उसका मास वेरी हुआ। तो मास वेरी होने की वजह से जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, वो टोटल एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल है और जो वेवलेंथ है वो टोटल एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर मास इसका 2000 टाइम्स कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि जो भी रेंज होगी वेवलेंथ की वो 2000 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी वो हम बोल सकते हैं इस रेंज से इस रेंज में जो होती डिवाइड बाई 200 टाइम्स हो गई। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ की रेंज आएगी वो 18 एंगस्ट्रम टू नियरली ये वैल्यू हो गई 32.5 एंगस्ट्रम। अब ये जो रेंज है ये एक्स रेज की रेंज है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें जो रेंज आएगी वो एक्स रेज की रेंज में आएगी। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें थॉमसन मॉडल को कंसिडर करना है। थॉमसन मॉडल के अंदर क्या है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसमें जो प्रोटोन का चार्ज है वो पूरे के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसीडर करना है, और फिर उसका जो रेडियस कंसीडर करना है वो 0.25 एंगस्ट्रम कंसीडर करना है, और बोहर मॉडल अप्लाई करते हुए, बोहर मॉडल की जो कंडीशन है वो भी अप्लाई करनी है, और वो कंडीशन अप्लाई करते हुए हमें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बतानी है किसके क्लोज्ड, ठीक है। तो जब हम यूनिफॉर्मली चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अगर प्रोटोन का, तो हमें पता है कि अगर किसी स्फेयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स किसी चार्ज पे निकालना होता है तो ये फोर्स जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब सिमिलर कंडीशन पॉइंट चार्ज की वजह से भी होती है। तो जब हम बोहर मॉडल कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर हम न्यूक्लियस बहुत स्मॉल एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करते हैं, तो पॉइंट चार्ज की जैसे यहाँ पे हो गया, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि इसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लें और किसी भी आर डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा हो। तो जो बोहर मॉडल की कंडीशन थी सेम वो की वही कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो जो बोहर मॉडल के रिजल्ट है एनर्जी के वो के वही यहाँ पे एप्लीकेबल है। इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी आ जाएगी ग्राउंड स्टेट की वो हम बोल सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड ही आएगी जो इसमें एनर्जी आती थी, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि एक स्फेरिकल रिजिड बॉडी है उसको रिलीज किया रेस्ट से और रोल होता हुआ इंक्लाइंड से नीचे आ रहा है 7 मीटर हाइट से नीचे आया, और जैसे नीचे आया डायग्राम में बता रखा है, और जैसे ये ब्लॉक नीचे आ रहा है नीचे एक रेस्ट में एक ब्लॉक पड़ा हुआ है उसके साथ कोलाइड कर रहा है, कोलिजन इलास्टिक है और दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। तो हमें ये पता है कि इलास्टिक कोलिजन में, डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन में सेम मास के बीच में कोलिजन होता है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये पूछा हुआ है कि ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन, तो हमें केवल इतना ही करना है कि इस स्फेयर की ग्राउंड पे पहुँचने पर वेलोसिटी कितनी होगी। इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी इंटरचेंज करेंगे वही वेलोसिटी हम ब्लॉक की बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जब एच हाइट से रिलीज करते हैं जब ये नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन हम बोल सकते हैं ये होती है √2gh डिवाइड बाय 1+ रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर बाय रेडियस का स्क्वायर। स्फेरिकल है तो रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस का रेशियो जो आएगा या स्क्वायर का जो रेशियो आएगा वो 2/5 आएगा, तो सीधा यहाँ पे 2/5 पुट कर दें तो V की वैल्यू आ गई 2, G की वैल्यू 10, हाइट जहाँ से रिलीज की हुई है वो है 7 मीटर डिवाइड बाय 1+
के बाय आर की वैल्यू 2/5 स्क्वायर की वैल्यू, तो ये वैल्यूज़ आ गई v इक्वल्स टू 7 से 7 कैंसिल, 2 × 10 × 5 ये वैल्यू है 100, 100 का रूट 10 मीटर पर सेकंड, तो सेम वैल्यू थी इस ब्लॉक की भी, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक गर्ल जो है वो एक एप्पल को ड्रॉप कर रही है एक ट्रेन की विंडो से, और वो जो ट्रेन है वो एक स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। हम बोल सकते हैं ट्रेन का एक्सेलरेशन जो है जिधर वेलोसिटी है उधर ही है, तो ये बताना है कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है एप्पल की वो गर्ल के अकॉर्डिंग किधर है वो बतानी। तो विद रेस्पेक्ट टू गर्ल अगर हम इस एप्पल पे फोर्सेस देखें तो एक तो हो गया डाउनवर्ड mg, ये मान लेते हैं कि ट्रेन का मोशन इधर है, तो एक तो एप्पल पे mg हो गया और मूविंग फ्रेम है एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो पीछे की ओर सूडो फोर्स लगा ma, ट्रेन के एक्सेलरेशन के बराबर एक्सेलरेशन इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो नेट फोर्स इस तरफ आया। तो किसी ऑब्जेक्ट पर जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोशन होता है, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो ड्रॉप किया हुआ है तो गर्ल के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, तो जिधर फोर्स लगा उधर ही मोशन स्टार्ट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि गर्ल के अकॉर्डिंग जिधर ट्रेन का मोशन था उसके अपोजिट डायरेक्शन से होते हुए डाउनवर्ड एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो इंक्लाइंड जो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में है और एक स्ट्रेट लाइन, तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है इसमें एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पॉइंटेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन, मतलब फोर्थ ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रेन पे बेस्ड, कि एक ट्रेन जो है मूव कर रही है स्लोली 2 मीटर पर सेकंड से नेक्स्ट टू ए रेलवे प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हुए 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और एक आदमी की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर लंबा है आदमी। अब ये जैसे ही ट्रेन से उतरता है तो उतरते ही हम ये कंसीडर करना है कि उसके जो पाँव है वो तो ग्राउंड पे स्टक हो गए, चिपक गए, फिक्स हो गए, और जो आदमी है वो एक रिजिड बॉडी की जैसे आगे की ओर गिर रहा है, तो हमें बताना है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आदमी की कितनी है उस इंस्टेंट पे। तो ये मैन, इसकी हाइट 1.5 मीटर, ये वाला पॉइंट फिक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करने लगेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अभी ओमेगा कैसे निकाले, तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे नीचे वाला पॉइंट फिक्स है, तो सबसे नीचे वाले पॉइंट के अबाउट जितने भी फोर्सेस है इसी पॉइंट से पास हो रहे होंगे इस इंस्टेंट पे, तो इस पॉइंट के अबाउट इस पे नेट टॉर्क जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व, लेकिन किसके साथ कंजर्व करना है, पहले तो ट्रेन के साथ साथ जा रहा था, तो पूरा मैन पहले ट्रेन के साथ साथ 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब पूरा इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होता हुआ है, तो इस पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, पहले एंगुलर मोमेंटम है एम वी, वी वेलोसिटी 2 और टोटल लेंथ एल बाय 2 इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो एम वी आर पहले हमने ये एंगुलर मोमेंटम लिख दिया, बाद में इस लोएस्ट पॉइंट के अबाउट ये एक रॉड की जैसे हो गया तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया आई ओमेगा, आई की वैल्यू हो गई 1/3 ml² ओमेगा, यहाँ से कुछ वैल्यूज कैंसिल की हमने, तो कैंसिल करने के बाद ओमेगा की वैल्यू आ गई वी बाय 3 भी ऊपर जाएगा 3v/2l के बराबर, v की वैल्यू मेंशन की हुई है 2 × 3 × 2/2 और लेंथ मेंशन की हुई है 1.5, तो ये वैल्यू आ रही है 2 radian/s के अराउंड, 2 radian/s मतलब सेकंड आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट मास कैपिटल M का मूव कर रहा है किसी सर्टेन वेलोसिटी से और कोलाइड हुआ एक स्टेशनरी m/2 से, और क्या बोल रखा है, कोलिजन इलास्टिक वन डायमेंशनल है, तो रेशियो बताना है इनकी फाइनल वेलोसिटी, सॉरी रेशियो बता रखा है एक्स और वही एक्स हमें फाइंड करना है, तो शुरुआत में एक पार्टिकल कैपिटल एम तो मूव कर रहा है किसी यू वेलोसिटी से, दूसरा स्टेशनरी है, आफ्टर कोलिजन ये हो गया कि जो एम है वो किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा और एम बाई टू है वो भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इनका रेशियो एक्स बोल रखा है, मतलब अगर इसकी वेलोसिटी वी बोल दें तो इसकी वेलोसिटी एक्स टाइम्स हो गई, रेशियो बोल रखा है ये बाय ये, तो एक्स आ गया, ये पहले वाली कंडीशन, तो इससे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन निकाल ले, तो एम यू इक्वल्स टू एम वी एक्स प्लस एम बाई टू वी, तो एम कैंसिल करने के बाद यू इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं वी एक्स प्लस वी बाई टू, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से अपने पास आ गई। सेकेंड बोल रखा है इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन अगर इलास्टिक है तो हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेसिट्यूशन -1 इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वी माइनस वी एक्स अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन 0 - u, तो यहां से एक रिलेशन आ रहा है कि u इक्वल्स टू v माइनस वी एक्स, यहां से इसको पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में,
तो फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ से इक्वेशन बन गई, वी माइनस वी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी बाई टू. तो टू वी एक्स इक्वल्स टू वी बाई टू. सो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई ये कैंसिल होने के बाद 1/4. तो x की वैल्यू 1/4 मतलब आंसर हो जाएगा 4th. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि एक पार्टिकल जिसका मास 2/3 kg है, वेलोसिटी बता रखी है इनिशियल, मतलब t इक्वल टू -2 सेकंड पे वेलोसिटी -15 m/s है, और एक फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है एफ इक्वल टू के माइनस बीटा टी स्क्वायर, जिसमें के की वैल्यू 8, बीटा की वैल्यू मेंशन की हुई है. वन डायमेंशनल मोशन है तो स्पीड बतानी है इस पार्टिकल की जब इसका एक्सेलरेशन 0 है. तो एक्सेलरेशन 0, तो पहले हम फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल लें. फोर्स बाय मास किया एक्सेलरेशन की वैल्यू, के की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 8, बीटा की वैल्यू पुट करते हैं 2, टी स्क्वायर बाय मास की वैल्यू है 2/3, ये वैल्यू हो गई. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, इससे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें वेलोसिटी में चेंज बता देगा -2 से किसी टी टाइम तक. तो इधर वेलोसिटी में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी है -15, और इसका एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन आ जाएगा 3/2 8t माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे t³/3, ये वैल्यू आ गई. तो इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 3/2 8t -2/3 t³, और +15 था इधर आके -15. लेकिन ये वेलोसिटी की वैल्यू कब चाहिए, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 या फोर्स की वैल्यू 0. तो ये वैल्यू 0 किस इंस्टेंट पे हो रही है, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं टी स्क्वायर, इसको 0 करेंगे तो ये आ जाएगा t² = 4 t = ±2 सेकेंड वो टाइम था. तो इसमें पुट करें t = ±2. तो अगर -2 देखेंगे तो -2 तो वो इनिशियल कंडीशन ही थी, -2 तो इनिशियल कंडीशन थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो वेलोसिटी आ गई -15, स्पीड आ गई 15, ऑप्शन में है नहीं. तो फिर दूसरा ही ऑप्शन चेक करना है, तो +2 रखा, +2 रखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 17 m/s, आंसर हो जाएगा 3rd. इस वाले क्वेश्चन में एक स्टेलर बॉडी दे रखी है और उसका जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ सन का 50 times है, और टेम्परेचर उसका रेडियस ऑफ सन का टेम्परेचर के सन के टेम्परेचर का डबल है, और डिस्टेंस जो है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट मतलब सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसका 2×10^10 दे रखा है. मतलब ये मेंशन दे रखा है, डेटा कर बता रखे हैं, और सेम डेटा इस तरह से सन के लिए बता रखा है कि रेडियस, टेम्परेचर, रेडियस एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट के बराबर है. तो दोनों को ब्लैक बॉडी कंसिडर करना है, उस बॉडी को और सन को, और ये बताना है कि पावर रिसीव कितनी है, रेशियो ऑफ पावर रिसीव्ड ऑन अर्थ फ्रॉम स्टेलर बॉडी एंड कंपेयर टू सन कितना होगा. तो पावर इस पर कितनी आ रही है, तो पहले तो हम वो निकाल लेते हैं कि कोई भी पावर कितनी जनरेट करता है. तो जनरेटेड पावर हम बोलते हैं E σ A T^4. अब दोनों को ब्लैक बॉडी कंसीडर करें तो E को तो 1 कंसीडर कर रहे हैं, एरिया हो जाएगा पाई उसकी जो भी रेडियस होगी उसका स्क्वायर, टेम्परेचर जो भी होगा उसकी पावर 4. ये तो उसने वहाँ पे रेडिएट किया खुद की सरफेस पे, लेकिन अर्थ पे आएगा तो यहाँ पे आते आते उसकी इंटेंसिटी वेरी हो जाएगी, और जिस रेशियो में इंटेंसिटी होगी उसी रेशियो में पावर रिसीव होगी. तो हम इंटेंसिटी बोल सकते हैं कि यहाँ आते आते इंटेंसिटी होगी पावर अपॉन एरिया, एरिया एक लार्ज रेडियस को लेते हुए. तो σ πr² t^4/4πd² के बराबर, डी हमने डिस्टेंस ले रखी है उस बॉडी से अर्थ तक की डिस्टेंस, और इसको लेके एक स्फेयर बनाया हुआ है. तो यहाँ से दिख रहा है कि जो इंटेंसिटीज का रेशियो आएगा I1/I2, सेम इनके पावर रिसीव का रेशियो आ जाएगा. तो इनकी रेडियस के स्क्वायर के फॉर्म में, अब रेडियस 50 है तो हम बोल सकते हैं कि 50 के स्क्वायर के रेशियो में इंटेंसिटी, टेम्परेचर का रेशियो डबल है तो 2^4 के रेशियो में ही आ जाएगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल रखी है ये, तो इसका स्क्वायर करना है तो 2×10^10 का स्क्वायर ही आ जाएगा. अब केवल इसमें पावर कंपेयर कर लो, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेक कर लेंगे. तो यहाँ पे 10^2, ये 10^20 ऊपर आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये 10^20 और ये 2 तो -18, और 100 ही कंसीडर कर लो तो इसको 16 के ऑर्डर का हम बोल सकते हैं, 15×2 100 के अराउंड वैल्यू बनेगी. तो हम बोल सकते हैं कि 10^-16 के ऑर्डर का जो भी ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4. नेक्स्ट, एक रॉड है
जिसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं दोनों एंड पे एफ फोर्स लगा के, रॉड का एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, और इसमें करंट आई फ्लो करवा रहे हैं, करंट कांस्टेंट है। तो एक वोल्टमीटर जो लगा रखा है, इस वोल्टमीटर की रीडिंग के बारे में बताना है कि वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो किस तरह से वेरी होगी स्ट्रेन के कंपेरिजन में, स्ट्रेन को कंपेयर करते हुए। तो वोल्टमीटर की रीडिंग हम बोल सकते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी रो एल बाई ए। लेकिन जब हम स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने पर लेंथ और एरिया दोनों इसके वेरी होंगे। तो यहाँ पर लेंथ और एरिया जिस तरह से वेरी होंगे उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस वेरी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेच कर रहे हैं तो इस टाइम पर इसका एरिया, तो एरिया के हम बारे में हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है इसका वो वॉल्यूम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ इंटू एरिया। तो एरिया के लिए हम लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी लिख देता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी इक्वल्स टू आई रो, और इसकी जगह एरिया की जगह लिख दिया वॉल्यूम बाय लेंथ, तो ये लेंथ स्क्वायर बाय वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमें ग्राफ चेक करना है, तो जैसे जैसे स्ट्रेच करते जाएंगे, स्ट्रेच करने के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ एरिया कम होने की वजह से इंक्रीज़ होती जाएगी। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा। तो इंक्रीज़ होता हुआ ग्राफ होना चाहिए। और जो वेरिएशन है उसके लिए स्लोप चेक कर लेते हैं कि स्लोप किस तरह से वेरी होगा। तो स्लोप वेरिएशन के लिए आई रो, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2L बाई वी, तो लेंथ का टर्म, और लेंथ यहाँ पे कॉन्स्टेंट है दोनों एंड के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि जो dv बाई dt की वैल्यू है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगी, स्लोप कॉन्स्टेंट रहेगा। तो कॉन्स्टेंट स्लोप के साथ ऑप्शन हमें मिल रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दो आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्सेज बता रखे हैं, R और S, एक R एक S, और ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, इनके बीच में सेपरेशन है 5 मीटर का, एफ फ्रीक्वेंसी को जनरेट की। एक ऑब्जर्वर दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है 12 मीटर पे, ये भी 12 मीटर पे है, ये भी 12 मीटर पे। तो इस वाली इंटेंसिटी, इस वाली कंडीशन में ये इंटेंसिटी मैक्सिमम रिसीव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और पार्ट डिफरेंस भी देखेंगे तो पार्ट डिफरेंस भी जीरो है, तो इस वाली कंडीशन में पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जीरो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसको मूव किया, इसने मूव किया यहाँ पे आर एस के पैरेलल इधर की ओर गया, और जैसे ही इसके बिल्कुल सामने आ रहा है डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द टू सोर्सेज, तो इसके सामने पहुँचा, तो यहाँ पर आने पर ये जो इंटेंसिटी है वो अब मिनिमम सुनाई दे रही है इसको, ये इंटेंसिटी की वैल्यू मिनिमम हो गई। अब यहाँ पे इस वाले कंडीशन में बताना है कि ये मिनिमम इंटेंसिटी क्या पॉसिबल, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ये फ्रीक्वेंसी क्या क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है, तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पार्ट डिफरेंस हम कैलकुलेट करें पहले, तो कितना होगा, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पाथ इनका आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13, और ये 12। तो अब वाली कंडीशन में, नई कंडीशन में 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13, तो नई वाली कंडीशन में जो पार्ट डिफरेंस आएगा, सॉरी ये जो 12 है ये यहाँ से लाइन से डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट 13, और ये वाला पाथ हो जाएगा 12, इसलिए पार्ट डिफरेंस 1 से इंक्रीज हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव चेंज हो गया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए, तो पार्ट डिफरेंस ये होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू हम बोल सकते हैं, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 2/2n-1, ये वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। वेवलेंथ की वैल्यू से हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी, तो फ्रीक्वेंसी को हम बोल सकते हैं वी बाई लैम्डा। वेलोसिटी दे रखी है 330 वेलोसिटी ऑफ साउंड, और वेवलेंथ दे रखा है 2 × 2n-1, ये फ्रीक्वेंसी आ गई 165 × 2n-1। एन इंटीजर वैल्यूज होगी, तो हम एन की अगर इंटीजर वैल्यूज लेंगे, एन इक्वल्स टू 1 लिया, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ पे अपने 165 जो ऑप्शंस में नहीं है। फिर एन की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो 2 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी 165 × 3, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये 495 हर्ट्ज के आसपास ये वैल्यू आ गई, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 495 पे ये मिलेगा। तो आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें बोल रखा है कि एक प्रोटॉन जो है वो फॉल कर रहा है 1 किलोमीटर हाइट से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में। अब हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी बताना है कि फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ है। हमें मास को कंसीडर करना है प्रोटॉन के, सॉरी
फोटोन के मास को हमें कंसीडर करना है एच न्यू बाई सी स्क्वायर, और ये मास कंसीडर करते हुए हमें कैलकुलेट करना है। तो जब ये एच हाइट से नीचे आएगा, फॉल होगा, तो उस टाइम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा एम जी एच, या हम बोल सकते हैं कि इसकी ओवरऑल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की वजह से, वो एम जी एच इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हुआ है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि इसकी फोटोन की एनर्जी जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ एच न्यू के बराबर। तो एच चेंज इन फ्रिक्वेंसी, मास को क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि एच न्यू बाई सी स्क्वायर लेना है इंटू जी एच। फ्रैक्शनल चेंज पूछा हुआ है, तो एच कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू आ गई जी एच बाई सी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज लिखें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, हाइट दे रखी है 1 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ स्क्वायर। हमें ऑप्शंस में केवल पावर चेक करनी है, तो पावर चेक कर लेते हैं। ये 10⁴, ये आएगा 10⁻⁙, तो 16 × 4 = 12, 10⁻⁻¹, लेकिन डिवाइड बाई 9 भी है, तो अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻¹⁻¹ में ऑर्डर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ थर्ड यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक 0.02 मोल एक आइडियल डायटोमिक गैस दे रखी है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको कंप्रेस किया हुआ है 1500 cm³ से 500 cm³ तक, और जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसके बारे में बता रखा है कि ये PV² = β इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कर रहा है। तो इसमें हमें वैल्यू बतानी है बीटा की, कि बीटा की वैल्यू कितनी है। तो एक्चुअल में हमें केवल इतना ही करना है कि PV² की वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। तो PV² की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए PV को NRT लिख दो, एक PV को NRT कंसीडर कर लिया, N2V β। अब एक पर्टिकुलर जब टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है तब वाला वॉल्यूम यूज़ कर लें, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.02, आर की वैल्यू 8.314, टी टेम्परेचर की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में लिखना है 273 + 20, तो 293, और वॉल्यूम उस टाइम पर वॉल्यूम है 1500 cm³, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया तो 10⁻⁶, ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करें, अराउंड 300 इसको कंसीडर कर लो, 8 इसको कंसीडर कर लें, तो ये अराउंड 3, और पावर मेनली चेक कर लें तो यहाँ पे पावर इसके अंदर आ जाएगी 2, 4, और 10⁻⁶ ये वैल्यू आ जाएगी, नियरली -2 के अराउंड ये वैल्यू आएगी। और ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए लगभग 7 के अराउंड, तो 7 × 10⁻²⁻² के अराउंड ये वैल्यू आएगी। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 33 में एक हीटर जो है वो कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है, T = 0 टाइम से स्टार्ट किया, और कैलोरीमीटर में रखा हुआ है जिसकी हीट कैपेसिटी कुछ नहीं है, और एक स्टूडेंट जो है इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है, और टेम्परेचर तो ले रखा है वाई एक्सिस पे, और जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे ले रखा है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि इसको जब हीट कर रहे होंगे, सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं हो रहा, तो इसमें ग्राफ जो है वो किस तरह का होगा उसके बारे में बात करें। तो अगर पावर कॉन्स्टेंट सप्लाई कर रहा है तो पावर इनटू टाइम किसी भी टाइम पर हीट सप्लाइड हो जाएगी, और हीट सप्लाइड को हम बोल सकते हैं टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है तो MS ΔT के बराबर बोल सकते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर में चेंज, या टेम्परेचर हम लिख दें T - initial temperature T0 PT। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से ले रखी है कि टेम्परेचर हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, तो ये टाइम के प्रपोर्शनल है, और साथ में एक कॉन्स्टेंट वैल्यू और आ जाएगी, ये प्लस कॉन्स्टेंट एक वैल्यू आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम के साथ जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हम बोल सकते हैं यहाँ से ms की वैल्यू डिवाइड होगी, तो हीट कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। अब हमने टेम्परेचर वाई एक्सिस पे, टाइम टी एक्सिस पे ले रखा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप आएगा वो हीट कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और स्ट्रेट लाइन है तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमें दिख रहा है कि हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द लाइन, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अनपोलराइज्ड रेड लाइट को इंसिडेंट करवाया सरफेस पे, एक लेक की सरफेस पे, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा आर बोल रखा है, मतलब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई किसी थीटा आर एंगल पे, और इसमें बोल रखा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड लाइट रिसीव हो रही है यहाँ पे, ये अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुई रेड कलर की और वो रिफ्लेक्ट हुई कम्प्लीटली पोलराइज्ड लाइट। तो इस वाली कंडीशन में जो थीटा में रिलेशन होता है वो हम बोल सकते हैं कि 10θr वो प्रोपोर्शनल या इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एंगल जो होगा वो कम होगा जिस पे ये कम्प्लीटली पोलराइज लाइट मिल रही है. लेकिन अगर हम म्यू की वैल्यू की बात करें तो म्यू की वैल्यू 1 से ग्रेटर ही होती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि थीटा आर जो है वो थीटा आर की वैल्यू ग्रेटर देन 45 तो आएगी. ठीक. लेकिन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से रेड की वेवलेंथ 7000 के आसपास वो ज़्यादा होगी, और जब हम दूसरी कोई लाइट यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड लाइट बोल रखी है कि अगर इस पे इंसिडेंट करवा रहे हैं अपन कोई ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट इंसिडेंट करवाने पर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो ये एंगल ज़्यादा होगा. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ब्लू के करस्पॉन्डिंग ये एंगल ज़्यादा होगा. तो इसलिए ये ऑप्शन अपने हो जाएंगे, क्वेश्चन हम इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक न्यूट्रल स्फेरिकल कॉपर पार्टिकल बता रखा है जिसकी रेडियस बहुत कम है, नैनोमीटर में है, और ये बोल रखा है कि इस पे जो वोल्टेज है वो स्लोली ऐड कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम. मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ही बार में ऐड करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूस चार्ज फ्लो होता जा रहा है, डिस्क्रीट चार्ज कंटिन्यूस इसमें यूज़ किया हुआ है. तो इसमें बोल रखा है कि वोल्टेज जो है वो किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा या चेंज कैसे होगा. तो किसी स्फेयर पे जब हम वोल्टेज लिखते हैं तो वोल्टेज हम लिखते हैं 1/4πε0Q/R. ये रेडियस वेरी नहीं कर रहे लेकिन चार्ज वेरी करवा रहे, तो वोल्टेज चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन चार्ज की डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही है, कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं है. तो कुछ चार्ज की एक पर्टिकुलर वैल्यू, वोल्टेज की एक पर्टिकुलर वैल्यू, तो चार्ज की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, रिसीव होगी, फिर चार्ज की दूसरी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, फिर तीसरी वैल्यू आएगी. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्राफ रहेगा वो एक स्मूथ ग्राफ नहीं रहेगा, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ ये ग्राफ हम बोल सकते हैं, या इस तरह से इंक्रीज होता हुआ ये ग्राफ बोल सकते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में एक चार्ज प्लस क्यू इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है एक थिन रिंग पे जिसकी रेडियस है आर, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. अब यहाँ पे क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे एक्स वाई प्लेन में थीटा एंगल के साथ मतलब वेरिएशन बता रखा है चार्ज का. तो हमें क्या करना है, एक चार्ज प्लस क्यू को इनफाइनाइट से रिंग के सेंटर तक लाना है. तो इसमें वर्क कितना करना पड़ेगा वो पूछा हुआ है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी वेरी हो, पोटेंशियल जब हम एक्सिस पे कैलकुलेट करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, इसके एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0Q/R आती है. ये इसके एक्सिस पे पोटेंशियल, आर मतलब सेंटर से, सॉरी आर यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगी उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू वेरी होती जाएगी. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट से जब यहाँ तक आएंगे तो वेरी होता हुआ रहेगा, लेकिन चार्ज टोटल चार्ज पे डिपेंडेंट, वेरिएशन कुछ भी हो. तो जब इनफाइनाइट से सेंटर तक लाए तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हो जाएगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा क्यू डेल्टा वी के बराबर. तो चार्ज जिसको लाए वो क्यू, कैपिटल क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं 1/4π सेंटर पे, सेंटर पे पोटेंशियल हो गया क्यू बाई रेडियस, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल था 0. तो ये वर्क आ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख रहा है अपन को आंसर सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक रेडियो एक्टिव बीटा डीके बता रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं. इसमें न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, फर्स्ट केस में बोल रखा है कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स केवल इमिट कर रहा है, और सेकंड केस में बोल रखा है कि एक मासलेस लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है वो पार्टिकल भी इमिट कर रहा है सेकंड केस में. तो इसके बेसिस पे बताना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एनर्जी और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ग्राफ किस तरह का होगा ये पूछा हुआ है. तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कुछ पर्टिकुलर एनर्जी के, कितने मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है. तो जब बीटा डीके के अंदर एनर्जी रिलीज हुई कुछ भी, फर्स्ट केस में जो भी एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी जाएगी एक तो डॉटर न्यूक्लियर जो बनेगा उसके अंदर प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर, इनके अंदर. तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर तो जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन के पास ही एनर्जी रहेगी. लेकिन सेकंड केस में क्या बोल रखा है कि एनर्जी ये तो निकल ही रही थी लेकिन एक पार्टिकल के पास और एनर्जी जा रही है, एक पार्टिकल के पास और एनर्जी जा रही है. तो वो मासलेस पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी कुछ भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है. तो अब हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास ना जाके इसके पास भी जाएगी तो एनर्जी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. इसलिए फर्स्ट केस में तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. सेकंड केस में बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है ये फर्स्ट केस में आ जाएगा. सेकंड केस में बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो दोनों के अंदर डिवाइड हो रही है, कुछ भी रेंज पॉसिबल हो सकती है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेकंड केस में इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है. तो फर्स्ट केस में ग्राफ ए, सेकंड केस में ग्राफ बी, तो इसलिए सेकंड आंसर इसका हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 38 में हमें 1 ग्राम एक आइडियल गैस ए दे रखा है
और जिसका गामा की वैल्यू बोल सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है वो, तो उसकी वैल्यू दे रखी है 5/3। और फिर एन मोल दूसरी गैस ले रखी है जिसका गामा का वैल्यू 7/5 है, मिक्सचर का गामा 19/13 है। तो नंबर ऑफ एटम्स इस सेकेंड गैस के मोल्स कितने हैं वो बताने। तो गामा मिक्सचर हम बोल सकते हैं N1 CP1 + N2 CP2 / N1 CV1 + N2 CV2, ये गामा मिक्सचर हम बोल सकते हैं। अब फर्स्ट गैस वन, 5/3 बोल रखा है, या तो मोनोटॉमिक गैस बोल के लिख दो CP की वैल्यू, या CV की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो मोनोटॉमिक है तो इसकी वैल्यू होगी 5/2R प्लस दूसरे के अंदर N, और 7/5 बोल रखा है वो डायटोमिक गैस के अकॉर्डिंग हो गया 7/2R डिवाइड बाय 1, CV की वैल्यू मोनोटॉमिक में 3/2R प्लस सेकेंड के अंदर N, ये आ गई 5/2R और इसमें गामा की वैल्यू जो दे रखी है वो है 19/30, ये इक्विवेलेंट। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करें N की वैल्यू, R की वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, तो N की वैल्यू के लिए हो जाएगा 5 + 7N 13 इक्वल्स टू 19 3 + 5। तो इससे अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करके निकालेंगे तो N की वैल्यू ये आ जानी चाहिए 2 के इक्वल यहाँ पर आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा अपना सेकेंड। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कि वोल्टेज V जो है वो अप्लाई कर रखा है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, और डिस्टेंस मतलब वोल्टेज और डिस्टेंस के बीच में यहाँ पे रिलेशंस बता रखे हैं। अगर कैपेसिटर पे चार्ज सेम रहे तो वोल्टेज का डिस्टेंस के साथ रिलेशन कैसा होगा। तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज फिक्स किया हुआ है और इनके बीच में जो सेपरेशन है उसको वेरी करवा रहे थे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे वेरी होगा वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के बीच में होता है Q/A(E)O(d) के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये वैल्यूज कांस्टेंट है, डी के साथ एक लीनियर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ वो आएगा, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर प्लेट्स को दोनों को टच करवा देंगे तो चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि चार्ज सेम रहना चाहिए, तो टच नहीं करवाना है, तो डी की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है। तो डी की वैल्यू जीरो लेते हुए ग्राफ स्टार्ट नहीं करना है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में 3 लार्ज आइडेंटिकल प्लेट्स बोल रखी हैं और एक दूसरे के क्लोज इनको पैरेलल लगा दिया एक दूसरे के, और ये बोल रखा है कि 2 पे चार्ज टेम्परेचर जो है वो टी और 2T मेंशन किया हुआ है। ठीक, तो मिडिल प्लेट का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा स्टडी स्टेट में वो बताना है, क्लोजली वैल्यू कितनी होगी उसकी। तो यहाँ पर अगर ये स्टडी स्टेट में है तो जितना टेम्परेचर रिलीज करेगा जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा। तो यहाँ पर इस वाली प्लेट की वजह से इस पर जो एनर्जी आएगी, ये जितनी रेडिएट करेगा उसकी हाफ एनर्जी इस पर रिसीव होगी, तो इस पर जो एनर्जी आ गई वो आ गई σA(T^4) का हाफ इसने रिसीव किया। ऐसे ये जितनी रेडिएट करेगा तो दोनों तरफ रेडिएट करेगा, हाफ एनर्जी इसके पास आई, ये एनर्जी आ गई σA(T^4) हाफ। अब ये तो इसके पास एनर्जी रिसीव्ड हुई, और ऐसा ही कुछ ये खुद रेडिएट भी करेगा, तो जितनी रिसीव कर रहा है उतनी रेडिएट करेगा तभी स्टडी स्टेट आएगी। तो रिसीव कितना कर रहा है σA, जो भी इसका टेम्परेचर है उसकी पावर 4, ये रेडिएट किया इसने। अब यहाँ से ये वैल्यूज हो गई 2^4 = 16 + 1 = 17/2 T^4, लेकिन पावर इधर ले गए तो ये वैल्यू हो गई 1/4 T' के बराबर। तो ये इसका टेम्परेचर है, और ऑप्शंस में या तो पावर 4 करके देख लें या इसी को अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो इससे देखें, तो पावर 4 करके देखते हैं, तो यहाँ पे आंसर थर्ड मैच हो जाता है कि इसकी वैल्यू 1.7, ये वैल्यू 1.7 की पावर 4 बोल सकते हैं, उसकी पावर 1/4, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो अब पार्ट टू पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोल रखा है कि एक मेटेलिक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, एक चैम्बर के अंदर लटका रखा है जिसमें टेम्परेचर है 20°C। अब दूसरे एंड पे कुछ फ्री एंड जो है उस पर वेट लगाना है, तो कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी रॉड का बता रखा है, यंग्स मॉडुलस बता रखा है। अब टेम्परेचर जो है वो चैम्बर का कुछ नीचे कर दिया, डाउन कर दिया टी।
अब इसकी वजह से क्या करना पड़ रहा है कि 5000 न्यूटन का एक एक्स्ट्रा वेट उस पर अटैच करना पड़ रहा है, जिस ताकि लेंथ जो है जितनी टेम्परेचर कम करने की वजह से कंप्रेस हो रही थी वो कि वही वापस एक्सपेंड होकर ओरिजिनल आ जाए। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट की लेंथ की वजह से लेंथ में चेंज आ जाएगा वो आ जाएगा, हम बोल सकते हैं अल्फा डेल्टा टी के बजाय बराबर, इतना लेंथ में डिक्रीमेंट या इस रेशियो में चेंज आना चाहिए। अब सेम वैल्यू फोर्स की वजह से एक्सपेंशन होना चाहिए, तो ये स्ट्रेन की वैल्यू भी हो गई फोर्स के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रेन की वैल्यू हम बोल सकते हैं स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस के बराबर। तो यहाँ से अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा टी की वैल्यू। फोर्स दे रखा है 5000, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 10^-4, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 4×10^12, अल्फा की वैल्यू भी डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू डिवाइड करने पर 2.5×10^-6, तो ये डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज की वैल्यू आ जाएगी, इतना टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ गई 2.5×4, तो ये 10 के अराउंड ये वैल्यू हो जाएगी। बाकी पावर्स देख लेते हैं, तो 10^12 है −6, −4, +2 और +3, पावर कैंसिल हो गई, तो ये वैल्यू 5 के बराबर ही आ रही है। तो टेम्परेचर में चेंज करना है 5 का, डिक्रीमेंट करना है 5 का, तो पहले टेम्परेचर था 25 का, डिक्रीमेंट किया तो टेम्परेचर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 15°C। तो आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सोलेनॉइड के लिए बता रखा है कि एक शॉर्ट सोलेनॉइड है, तो उसकी लेंथ बता रखी है कि सोलेनॉइड की लेंथ है L, रेडियस है R, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट लेंथ दे रखा है स्मॉल L, N। अब इसको एक लार्ज सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ है, लार्ज सोलेनॉइड जिसकी लेंथ बता रखी है कैपिटल L, जिसकी रेडियस है R, वो लार्ज है, और उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट लेंथ है उसके बारे में बता रखा है कैपिटल L, ये इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर बोल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम आई करंट फ्लो करवा रहे हैं शॉर्ट सोलेनॉइड में, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई इज इन लॉन्ग सोलेनॉइड, जबकि शॉर्ट वाले के अंदर होगा, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरिएबल होगी या मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं बोल सकते। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए शॉर्ट से लार्ज को कैलकुलेट करने के बजाय लार्ज में करंट फ्लो करवा के शॉर्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लार्ज में अगर करंट फ्लो करवाया तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई के बराबर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इनटू इसका एरिया, ये इसके एक लूप से फ्लक्स पास हो रहा होगा और ये एक लूप से फ्लक्स हो गया, टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन इंटू एल, ये इसमें से ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये एरिया, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया इसके अंदर से, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट के बराबर। इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल एन पाई आर स्क्वायर एल के बराबर। तो ये वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस की हमें मैच हो रही है सेकंड में, तो ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक वॉल कंसीडर करनी है डैम की, और उसकी हाइट जो है वो कैपिटल एल और डैम की जो लेंथ है वो एल बोल रखी है। अब इसको लेक का जो वाटर है वो उसके अंदर बोल रखा है स्मॉल एच हाइट तक है, मतलब ओवरफ्लो नहीं हो रहा, कम हाइट पे है। अब ये बोल रखा है कि अगर वाटर की डेंसिटी दे रखी है तो टॉर्क जो है बॉटम के अबाउट वो τ1 लगाना पड़ रहा है फर्स्ट केस में, और दूसरे केस में बोला गया कि सिमिलर डैम है लेकिन उसके अंदर जो वाटर की हाइट है वो h/2 है और जो लेंथ है डैम की वो l/2 है, तो इसमें टॉर्क कुछ τ2 लगाना पड़ रहा है, तो इनका रेशियो पूछा हुआ है। तो हम केवल रेशियो के लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इस डैम की वॉल पर जो फोर्स लगेगा वो इधर वाले वाटर की वजह से लगेगा। अब जो फोर्स आएगा वो आएगा प्रेशर और एरिया के प्रोपोर्शनल, और प्रेशर जो आएगा वो हाइट के प्रोपोर्शनल आएगा, प्रेशर हाइट के प्रोपोर्शनल, रो जी एच बोल सकते हो, हाइट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना पड़ेगा लेकिन एच लिख दो। अब दूसरा यहाँ पे जो एरिया होगा डैम का, मतलब जिस पे फोर्स लगेगा वो एरिया आएगा हाइट और एल के प्रोपोर्शनल, इस तरह से। तो फोर्स कुछ एच स्क्वायर एल के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। अब जब टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क के लिए ये डिस्टेंस और लिखनी पड़ेगी हमें R क्रॉस F के लिए, तो टॉर्क हम बोल सकते हैं कि टॉर्क जो होगा वो फोर्स और R के प्रोपोर्शनल होगा, और R H के टर्म में आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि H टॉर्क की वजह से R के टर्म में लिखने के लिए, और फोर्स के लिए एक स्क्वायर तो क्यूब L, तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्क H स्क्वायर L के प्रोपोर्शनल होगा। अब दूसरे वाले में हाइट भी हाफ की भी है तो उसकी वजह से 1/8 आ जाएगा, लेंथ 1/2 की भी है तो उसकी वजह से 2/2 और आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो रेशियो आएगा tau 1/tau 2
वो आ जाना चाहिए 16 के बराबर. तो 16 के अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर ही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में दो कंटेनर हमें बता रखे हैं C1 और C2, और जिनके अंदर वॉल्यूम V और 4V पे सेम आइडियल गैस, और दोनों को कनेक्टेड किया हुआ है हॉरिजॉन्टल ट्यूब से, और दोनों के अंदर प्रेशर जो है पहले से, जब फ्लो नहीं हो रहा है एक से दूसरे में, तो P और 5P बोल रखा है, और दोनों का टेम्परेचर भी मेंशन किया हुआ है 300 और 400 केल्विन. अब उनको ओपन कर दिया, कनेक्ट कर दिया आपस में फ्लो करवाने के लिए गैस को. तो फ्लो तब तक होगा जब तक फाइनली प्रेशर दोनों का बराबर नहीं हो जाए, और इस वाली कंडीशन में बोल सकते हैं कि फाइनल प्रेशर बराबर हो जाएगा. और दूसरा, इनके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है पहले के अंदर और दूसरे के अंदर, वो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रेशर के लिए बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल्स पहले थे N1 प्लस N2, वो दोनों में मिला के नंबर ऑफ मोल्स अब के बराबर हो जाए. ठीक. और नंबर ऑफ मोल्स अगर दोनों में अब कैलकुलेट करना है कि रेशियो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लिख सकते हैं कि N=P प्रेशर दोनों के अंदर सेम, वॉल्यूम फर्स्ट का वॉल्यूम दे रखा है वी बाय RT, टेम्परेचर फर्स्ट वाले का है 300 केल्विन, दूसरे वाले का प्रेशर सेम रहेगा, फ्लो हो रहा था, हो चुका था, वॉल्यूम हो जाएगा 4V दे रखा है क्वेश्चन में R, और दूसरे का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है 400. तो यहाँ से N1 बाई N2 4 कैंसिल हुआ, ये वैल्यू 1/3 की आ जाएगी. मतलब फर्स्ट के कंटेनर के कंपैरिजन में सेकंड में नंबर ऑफ मोल्स 3 times लार्जर है. अब ये वाला ऑप्शन हमें फोर्थ में दे रखा है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है कि द लॉन्ग टाइम आफ्टर द वैल्यू ऑफ वॉल्व इज ओपन नंबर ऑफ मोल्स इन गैस इन द हॉट कंटेनर विल बी 3 times ऑफ द कोल्ड कंटेनर. तो ये आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 1:3, तो आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा. नेक्स्ट के अंदर हमें ये बोल रखा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जिनका मास है 1-dimensional मोशन है एक बॉक्स के अंदर, जिसकी लेंथ L बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में किसी तरह का इंट्रैक्शन नहीं कर रहे, तो अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कंसीडर करें, और ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज बोल रखी है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बोल रखी है, तो उनके बेसिस पे क्या क्या पॉसिबल है. तो अगर इलेक्ट्रॉन इस एक L लेंथ के अंदर ही मूव कर रहा है, अगर इसका मोशन इसी के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इस तरह की पॉसिबल वैल्यू ही आएगी, या हम बोल सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना रहे होंगे जब मोमेंट होगा. तो मिनिमम पॉसिबल स्टैंडिंग वेव ये बोल सकते हैं. सेकंड, इलेक्ट्रॉन के मोमेंट की वजह से जो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, उसकी वजह से सेकंड पॉसिबल स्टैंडिंग वेव बोल सकते हैं. थर्ड, इस तरह की वैल्यू आ जाएगी. अब इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू होगी λ/2 के बराबर, तो L=λ/2. इसके अकॉर्डिंग L की वैल्यू आ गई λ/2 एंड λ/2 λ. इसके अंदर L की वैल्यू आ गई 3λ/2. तो हम बोल सकते हैं कि N L और वेवलेंथ में रिलेशन होगा N λ/2 के बराबर. ठीक है. अब डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम इसको बोल रहे हैं, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ λ=h/p हो जाएगा. तो ये आ गया N/2 h/p, और मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर. तो यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई N²h² डिवाइड बाय 4 × 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक L² डिवाइड में आ जाएगा. ये वैल्यू इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू. अगर इसको मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि इसको अल्फा कंसीडर करें, तो ये अल्फा की वैल्यू, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी आ गई. अब इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, तो इसकी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. जो भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये टोटल एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं. तो इसकी एनर्जी के लिए इसको हटा देते हैं एक बार, ये एनर्जी वाला रिलेशन आ गया, इसको यूज़ करना है अपन को. तो अगर हम ग्राउंड स्टेट के बारे में देखें, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी जो यू नॉट बोल रखी है, वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और सॉरी यहाँ पे ये N²α है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्राउंड स्टेट के लिए N=1 यूज़ कर लें, तो ये एनर्जी आ गई अल्फा. इसको यू नॉट मेंशन किया हुआ है. तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट जो होगी, या फर्स्ट सेकंड स्टेट, या फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट के अंदर जो इसकी एनर्जी हो जाएगी, तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट के अंदर एनर्जी हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस एन की वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ पे 2, तो 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4α, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस अल्फा को यू नॉट हम लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू है यू नॉट प्लस 3α. और ऐसे ही सेकंड एक्साइटेशन स्टेट के अंदर जो इसकी एनर्जी हो जाएगी,
वो दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस एन की जगह थ्री रखेंगे थर्ड ऑर्बिट या बोल सकते हैं सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, तो यह आ जाएगा नाइन अल्फा, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस वन अल्फा को यू नॉट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, तो प्लस एट अल्फा ये एनर्जी आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस जो दिख रहे हैं उसमें फोर्थ में दे रखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट इज यू नॉट प्लस एट अल्फा, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक रोप बोल रखी है जिसकी लेंथ एल है, यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी बोल रखी है, लटका रखा है इसको सीलिंग से, तो इसके दूसरा वाला एंड जो है वो फ्री है। अब ये बोल रखा है कि इसके अंदर जो वेव पल्स बनाएंगे वो वेव पल्स की वेलोसिटी जो है वो ऊपर की ओर मोमेंट के साथ डिक्रीज हो रही, ऑप्शंस में बता रखा है, तो हम वेव पल्स की फिर वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले कि वेव पल्स की, अगर हमने वेव पल्स यहाँ पे जनरेट की तो वेव पल्स की वेलोसिटी कितनी होगी किसी भी लोअर लेवल से एक्स हाइट पर। तो वेव की वेलोसिटी हम बोलते हैं वी इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय मी। अब इस वाले पार्ट में टेंशन कितना होगा, जितना नीचे वाले पार्ट का वेट होगा, और नीचे वाले पार्ट का वेट क्या बोल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी लेंथ, ये मास इनटू जी डिवाइड बाय म्यू। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वेव की वो रूट एक्स जी के बराबर होगी। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको कुछ ऐसे कंसिडर करें कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स जी बाय टू, तो ये ऐसे दिख रहा है कि एक न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन की जैसे, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू एस जैसे, तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी लोअर एंड पे अगर जीरो है तो ये जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा वो एक्सेलरेशन जी बाई टू है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से, तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव करता हुआ इसको हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बोल रखे हैं, फर्स्ट में ये ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी डिक्रीज होगी जबकि इंक्रीज होगी, और टाइम टेकन जो होगा वो रूट एल के प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्टेंस न्यूटन्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग एस टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो टाइम रूट एस के प्रोपोर्शनल या लेंथ के रूट के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना ठीक हो जाएगा, तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक सर्किट कंसीडर करना है, एक कॉयल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, और ये बोल रखा है कि एक कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है जिसकी वजह से इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स की वैल्यू मैंशन की हुई है फाई। अब क्या किया, टी इक्वल्स टू जीरो पर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया, सडनली बंद कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, सडनली चेंज किया अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो इस तरह से जनरेट करेगा कि उसके चेंज का अपोज करे, तो सडनली जीरो नहीं होने देगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल तो जीरो हो गया लेकिन जो इंड्यूस्ड इस तरह का होगा कि वो सडनली इसको जीरो नहीं होने देगा, तो बहुत स्लाइटली चेंज बोल सकते हैं बाद में, तो सडनली इसमें करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो जस्ट टी माइनस पे फ्लक्स हम फाइव बोल रहे हैं तो टी प्लस पे भी इस पे फ्लक्स की वैल्यू लगभग उतनी रहनी चाहिए, तो फ्लक्स हम बोल सकते हैं अब इससे एल आई के बराबर बाद में, ये जस्ट टी माइनस पे स्विच ऑफ करने से जस्ट पहले और स्विच ऑफ करने के जस्ट बाद, फ्लक्स में कोई ज़्यादा चेंज होता नहीं क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह का जनरेट होगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें जो करंट होगा सडनली जो करंट फ्लो होगा टी इक्वल्स टू जीरो पे वो फाइव बाई एल के बराबर करंट फ्लो होगा। अब उसके बाद ये क्या है कि एक एल सी सर्किट है, एलसी सर्किट है, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि अब ये इनिशियली करंट फ्लो हो रहा है तो ये ऑसिलेट करने लगेगा, एलसी ऑसिलेटर की तरह हो गया, जिसमें इनिशियली टी इक्वल्स जीरो पर करंट की वैल्यू ये हो गई, तो करंट की वैल्यू इनिशियली मैक्सिमम होनी चाहिए और फिर कंटिन्यूसली साइन या कॉस के फंक्शन की तरह डिक्रीज होनी चाहिए, तो करंट की वैल्यू बोल सकते हैं मैक्सिमम करंट, इनिशियली मैक्सिमम तो कॉस का फंक्शन होगा, और ओमेगा टी, ओमेगा हम बोल सकते हैं वन बाय रूट एलसी इसके अंदर होता है, और वन बाई रूट एल सी क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है ओमेगा नॉट के बराबर, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस हो जाएगा जो अपना वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 में हमें एक टैंक दे रखा है जिसमें एच हेड तक वाटर है और एक होल कर दिया सबसे नीचे और उससे वाटर जेट आगे जाके एक बकेट में गिर रहा है, बकेट की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, इस तरह से है कि वाटर जो है वो बाहर नहीं गिरे, जो भी आए बकेट के अंदर ही गिरे, तो इस बकेट की वेलोसिटी के बारे में पूछा है कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो ज़रा जो वाटर बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी निकाल लें, तो वाटर जो बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी ओवरफ्लो की यह आ जाएगी अंडर रूट टू जी एच, वाटर जो होल से बाहर आ रहा है इसकी वेलोसिटी। अब हमें जो बकेट आगे की ओर आ रही है उसके बारे में बात करनी है, तो एक्स डिस्टेंस पे वाटर जाके गिर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, हॉरिजॉन्टल रेंज हम बोलते हैं यू अंडर रूट टू एच अपॉन जी, ये वेलोसिटी यू की वैल्यू, तो ये जब पुट करेंगे तो ये टू बाहर आ जाएगा, एक स्मॉल एच कैपिटल एच की वैल्यू आ जाएगी।
तो ये एक्स की वैल्यू आ गई कि इतनी डिस्टेंस पे जाके वाटर गिरेगा। अब बकेट किस वेलोसिटी से मूव करी, तो बकेट की वेलोसिटी होगी डी एक्स बाई डी टी, एक्स किस रेट से चेंज हो रहा है वो। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू रूट एच, एच रेज टू पावर हाफ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा बाय हाफ माइनस वन, तो माइनस हाफ, और साथ में एक डी एच बाई डी टी, ये वैल्यू आ गई। हमें डी एच बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, तो डी एच बाई डी टी की वैल्यू के लिए हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ए वन वी वन इक्वल्स ए टू वी टू, तो ये होल का एरिया, होल का एरिया हमें बोल रखा है, बता रखा है ए, और वेलोसिटी यहाँ पे ए वन वी वन इक्वल्स टू टैंक के ऊपर वाले एंड पे ए टू वी टू। टैंक के ऊपर वाले एंड की वेलोसिटी बोल सकते हैं एच किस रेट से चेंज हो रहा है, डी एच बाई डी टी। तो यहाँ से हमें डी एच बाई डी टी की वैल्यू आ रही है, वो यहाँ पे पुट कर दी, तो वी की वैल्यू आ गई रूट एच बाई एच इंटू डी एच बाई डी टी, और डी एच बाई डी टी की वैल्यू हो गई ए बाय ए नॉट रूट टू जी एच। अब रूट एच कैंसिल हो गया, मतलब ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। अब इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर दें, तो एच की वैल्यू हमें दे रखी है, एच की वैल्यू है 5 मीटर, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगी रूट कैपिटल एच, कैपिटल एच की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर, 2g, जी की वैल्यू हमें लेनी है 10, और फिर बाकी रेशियो है एरिया का, तो एक एरिया है 5 सेंटीमीटर और दूसरा भी सेंटीमीटर में है, तो ऐसे ही रहने दो वैल्यूज, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो रूट के अंदर वाली वैल्यू तो हो गई 10 और ये 50, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी बाय 100, तो ये आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो आंसर हो गया अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 में एक सर्किट दे रखा है जो वाटर को बकेट के अंदर जो गर्म कर रहे हैं उसके लिए बोल रखा है, लेकिन साथ साथ ये भी बोल रखा है कि जो लॉस है हीट लॉस वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग लॉस भी होता जा रहा है इसके अंदर। तो हमें बताना है कि बकेट के जो वाटर का टेम्परेचर है वो टाइम के साथ साथ कैसे वेरी होगा। तो देखते हैं, वाटर को गर्म करना है तो एक तो उसको एनर्जी मिल रही है हीट की वजह से, इतनी एनर्जी पर सेकेंड मिल रही है, किसी भी इंस्टेंट पे इतनी हीट उसको मिल रही है, और उसकी उसके अंदर से हीट लॉस भी हो रही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग। तो जो हीट लॉस होगा वो कॉन्स्टेंट टाइम्स सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। इतनी रिसीव कर रहा है, इतनी लॉस कर रहा है, तो इतनी इसको एनर्जी पर सेकेंड मिली, इस एनर्जी पर सेकेंड की वजह से इसका टेम्परेचर चेंज होगा, वो हम बोल सकते हैं एम एस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू ये कॉन्स्टेंट वैल्यू कुछ सी डैश बोल दी माइनस सी टी माइनस टी नॉट। अब जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमें दिख रहा है कि डी टी बाई टी मतलब लॉग के टर्म में बनेगा, लॉग के टर्म को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, या इस इक्वेशन से भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर शुरुआत में ये वैल्यू बहुत कम है, टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है बकेट का, हम बोल सकते हैं कि ज़्यादातर एनर्जी मिल रही है उसकी वजह से टेम्परेचर शुरुआत में राइज होगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा ये डिफरेंस कम होता जाएगा, तो हीट जो खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के काम में ले रहा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक इंस्टेंट आएगा कि जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टोटल जो चेंज हो रहा होगा वो जीरो आ जाएगा, तो एक इंस्टेंट तक बढ़ना चाहिए, या इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन एक इंस्टेंट तक इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, फिर बाद में कांस्टेंट हो जाना चाहिए, तो ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 में हमें एक बबल दे रखा है जिसकी रेडियस आर है, वाटर की डेंसिटी है रो, और ये जो बबल है वो एक्सपेंड होता जा रहा है यूनिफॉर्मली वी वेलोसिटी से, और ये वाटर है वो उसको कंप्रेसिबल नहीं कंसिडर करना, ये नहीं कि बबल एक्सपेंड हो रहा है तो वाटर कंप्रेस हो रहा है, वाटर फिक्स। तो काइनेटिक एनर्जी वाटर की जिससे ये पुश हो रहा है वो बतानी है, वाटर की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो हम ये कंसीडर करेंगे ये जो बबल है रेडियस जिसकी आर है इस इंस्टेंट पे आर है, बाद में वेरी हो जाएगी, ये थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ कुछ डी आर, ये जब डी आर एक्सपेंड हुआ तो इसके एक्सपेंशन से ये जो वाटर यहाँ वाला एक्सपेंड हुआ या ये इस जगह को खाली किया, इसी को हम बोल सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर इससे भी निकलना चाहिए बड़े स्मॉल आर रेडियस से भी, क्योंकि वाटर नॉन कंप्रेसिबल है, इसलिए जो वॉल्यूम है जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उतना ही वॉल्यूम यहाँ से बाहर निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आर पे जाके छोटा सा इसका वॉल्यूम डी आर बढ़ा दें, तो जो वॉल्यूम इसके अंदर डिक्रीज हुआ वाटर का उतना ही वॉल्यूम इधर से बाहर निकलना चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम के लिए हम लिख सकते हैं कि 4πr² dr, सेम वॉल्यूम यहाँ से निकलना चाहिए तो 4πr² dr, और dr by dt हमें बोल रखा है v, क्योंकि यही बोल रखा है ये रेडियस जो है वो v से एक्सपेंड हो रहा है,
तो डी आर बाई डी टी किया तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर, इस आर डिस्टेंस पे वेलोसिटी जिसको वी मेंशन किया हुआ है, और ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी के बराबर, 4 पाई कैंसिल हो चुका था, ये वैल्यूज आ गई डी आर बाई डी टी की, ठीक है, किस रेट से वो एक्सपेंड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसकी टोटल इस पूरे बाहर वाले पूरे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो पूरे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी के लिए बोल सकता हूँ कि एक छोटे से सेगमेंट इसी की काइनेटिक एनर्जी हाफ डी एम, और इस सेगमेंट की वेलोसिटी जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखी है, और इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल आर से लास्ट में इनफाइनाइट तक, तो यहाँ से लेकर बाहर तक के पूरे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई हाफ डी एम, डी एम हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी इंटू किसी एक छोटे से सेगमेंट का वॉल्यूम, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो ये मास हो गया। वेलोसिटी का स्क्वायर, ये यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर लिख रहे हैं इस वेलोसिटी का, तो ये हो गया आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें 0 to infinite, अब यहाँ से 2 पाई आर की पावर 4 डेंसिटी रो वी स्क्वायर, ये वैल्यूज कॉन्स्टेंट बाहर, अब एक आर की पावर 4 है आर स्क्वायर है, मतलब डिवाइड में आर स्क्वायर आ जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/r आ जाएगा, और जिसकी लिमिट लिखनी है हमें 0 to r माइनस ये वैल्यू, मतलब इस तरह की वैल्यू। अब यहाँ पे सॉरी r टू इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट टू r ये नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो एनर्जी आ गई 2 पाई आर क्यूब रो वी स्क्वायर के बराबर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी है सेकंड ऑप्शन, तो आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। थैंक यू।